नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे ये सैमसंग 190 लीटर का जो फ्रिज है इस पर दो तीन चीज़ काम एक साथ सीखेंगे। दो तीन काम मतलब इस पर गैस चार्ज कैसे करना होता है वो सीखेंगे, इसका चेंबर कैसे चेंज करना होता है वो सीखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। इस पर एक दिन पहले कुछ प्रॉब्लम नहीं था, इस पर आइस सब कुछ सही तरह से काम कर रहा था, लेकिन कस्टमर से गलती के वजह से इस पर क्या हुआ, चेंबर में इसका कूलिंग कॉइल जो होता है, इसका चेंबर बोलते हैं इसको, तो इसका आइस आ गया था इस पर। तो आइस निकलने के टाइम मतलब चाकू से आइस निकलने के टाइम इस पर होल हो गया है, मतलब लीकेज हो गया है। तो लीकेज के वजह से ये गैस निकल गया और कूलिंग नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग इस पर गैस चार्ज करना पड़ेगा और ये कूलिंग कॉइल भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको कूलिंग कॉइल कैसे चेंज करते हैं, गैस चार्ज कैसे करते हैं वो, और ये लीकेज बार बार नहीं हो मतलब बाद में भी ये लीकेज नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, वो भी आज हम इसमें जानेंगे। और लीकेज किस तरह हुआ है वो भी बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो कूलिंग कॉइल है इसको हम लोग काट लेंगे, क्योंकि इसको लीकेज रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन रिपेयरिंग करने के लिए गोदरेज कंपनी का एक पेस्ट मिलता है, उसको लगा के दो तीन दिन रख के छोड़ना पड़ेगा, फिर बाद में आपको गैस चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कस्टमर को जल्दी था इसके लिए इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कूलिंग कॉइल को निकाल लेंगे, काट के निकाल लेंगे, क्योंकि कूलिंग कॉइल नीचे लटक रहा है तो उसको निकालने के टाइम एक आदमी को पकड़ना पड़ेगा तो दिक्कत है, तो इसको जल्दी जल्दी से काट लेंगे। तो सक्शन लाइन और कैपिलरी जो लगा हुआ है लिक्विड लाइन दोनों को काट लेंगे, थोड़ा पाइप छोड़ के काटेंगे, मतलब थोड़ा पाइप रख के काटेंगे इसको, जैसे अभी देख पा रहे हो थोड़ा थोड़ा पाइप उस पर रह गया है। तो ये जो पाइप रह गया है इसको हम लोग हीट करके निकाल लेंगे, जब इसको ऑयलिंग करेंगे तो हल्का सा हीट करने से ये इजी तरह से निकल जाएगा, फिर काम में दिक्कत नहीं होगा, मतलब आसानी से काम होगा। अब आते हैं इसको लीकेज कूलिंग कॉइल जो लीकेज हुआ है वो किस तरह लीकेज हुआ है, मतलब कैसे हुआ है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो लीकेज वाला कूलिंग कॉइल, यहाँ से दो जगह लीकेज हो गया है, ये ज़्यादा बड़ा लीकेज नहीं है, ये रिपेयरिंग हो सकता था, मतलब हो जाएगा। रिपेयरिंग करने का प्रोसेस है, इसको सही तरह से घिसना पड़ेगा और जो पेस्ट बोल रहा हूँ वो लगा के रखना पड़ेगा। उसी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ये नया वाला जो सेम सैमसंग का 190 लीटर का चेंबर है, ये सेम कंपनी का और सेम सिस्टम है, मतलब सेम डिज़ाइन का है, तो लगाने का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे दो पाइप है, एक डिस्चार्ज लाइन है, एक सक्शन लाइन है, एक से गैस इन होता है, दूसरे से गैस आउट होता है, मतलब एक अंदर आता है कंप्रेसर से, एक बाहर जाता है और एक खींचता है, उस तरह उधर से भी सेम है। ये सैमसंग का ओरिजिनल कंप्रेसर है, मतलब पहले काम नहीं हुआ, सैमसंग का MSA का मॉडल का कंप्रेसर है। तो सबसे पहले कंप्रेसर साइड जो काम करना पड़ेगा, जैसे ये चार्जिंग लाइन है इसको निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे दो लाइन है, एक सक्शन लाइन है, एक डिस्चार्ज लाइन है, मोटा वाला जो सक्शन लाइन है, पतला वाला जो डिस्चार्ज लाइन है, ये वाला डिस्चार्ज लाइन है। तो डिस्चार्ज को नहीं खोलेंगे, तो सक्शन वाला जो इसको ओपन करेंगे, क्यों ओपन करेंगे वो बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले चार्जिंग लाइन को इसको काट देते हैं, क्योंकि अंदर वाला जो कूलिंग कॉइल है उसको जब सोल्डरिंग करेंगे तो गैस सर्कुलेशन की वजह से पाइप में थोड़ा बहुत ऑयल रह जाता है, तो उसके साथ तो आग लग जाने से लग जाने का मतलब चांस रह जाता है, जिसके लिए यहाँ से ओपन कर देने से प्रेशर इक्वल हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, प्रेशर नहीं बनेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको पीस दो निकाल लेंगे हम लोग, इसको निकालने के लिए इसको हल्का सा हीट करेंगे तो इजी तरह से निकल जाएगा। जैसे बोल रहा हूँ, जैसे आप देखो ये आग जो जल रहा है, इसीलिए हम लोग उधर जो कंप्रेसर के पास जो चार्जिंग लाइन है उसको काट के रख छुरा हूँ, क्योंकि उसको काट देने से क्या होगा, यहाँ पे हीट जो बनेगा तो उधर से ओपन है तो पाइप कोई जगह ब्लॉक नहीं है, तो प्रेशर निकल जाएगा और इजी निकल मतलब ये जो सोल्डरिंग है ये इजी तरीके से निकल जाएगा। नीचे एक पुट्ठा रखा हूँ, क्योंकि हीट के वजह से जो सोल्डरिंग रॉड होता है वो थोड़ा बहुत नीचे गिरने के वजह से ये प्लास्टिक का जो बॉडी है ख़राब नहीं हो जाएगा इसके लिए। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर पीछे साइड काम करेंगे पहले, उसके बाद ये कूलिंग कॉइल सोल्डरिंग करके फिर फिटिंग करेंगे इसको। तो हम लोग ये निकल गया है, तो वह अभी ये जो कैपिलरी है ये आगे का भाग जो सोल्डरिंग करा हुआ था इसको थोड़ा सा काट के इसको निकाल देंगे,
काटने के लिए हैक्सो ब्लेड या कटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हल्का सा दाग करके मतलब मार्किंग करके आप उसको तोड़ देंगे, उसको उससे क्या होगा, उसका जो कैपिलरी का जो होल है वो छोटा नहीं होगा और सही तरह से क्लियर रहेगा। मतलब आपका गैस का जो सर्कुलेशन होगा वह चोक्ड जिसको बोलते हैं वो होने का चांस नहीं रहेगा। और इसको ज्वाइन करने के लिए कैपिलरी को कम से कम 1 इंच आपको पाइप के अंदर पुश करना पड़ेगा। हम लोग फिर से पीछे आ गए हैं कंप्रेसर का साइड क्यों पीछे काम करेंगे, क्योंकि चार्जिंग लाइन इसको जो NRV वाल्व है उसको ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए चार्जिंग लाइन का जो पाइप है उसको निकाल देंगे। तो रिले निकाल लिया हूँ क्योंकि रिले एकदम नज़दीक है, रिले ख़राब हो जाएगा हीट के वजह से। तो ये चार्जिंग लाइन के निकाल के इसको हम लोग इसी जगह पे NRV वाल्व लगाएंगे, जो चाइना वाला जो वाल्व होता है उससे गैस चार्ज करने में आसानी होता है। बाद में भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप गैस उस पे से भी डाल सकते हैं। और दूसरा जो है सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन को क्यों ओपन करेंगे, जब आपका सिस्टम लग जाएगा मतलब चेंबर लग जाएगा फिर मशीन को चालू करके एक बार देख सकते हैं आप। कैपिलरी बहुत छोटा होता है तो सोल्डरिंग के टाइम वो चोक्ड बहुत ज़्यादा चोक्ड हो जाता है, तो चोक्ड हुआ कि नहीं हुआ वो भी देख सकते हैं। और पाइप के अंदर जो ऑयल है दो एक बार फ्लश करने से वो भी निकल जाता है। जैसे हम लोगों का पीछे का काम हो गया है, पाइप निकल दिया हूँ, अभी हम लोग चेंबर को सोल्डरिंग करेंगे फिर इसको फिटिंग कर देंगे। चेंबर का जो पाइप है वो क्वार्टर है और बॉडी के साथ जो पाइप निकला हुआ है वो 316 का है, तो इसके लिए उसका अंदर इजी तरह से चला गया है। और कैपिलरी को हम लोग 1 इंच जैसा अंदर पुश कर देंगे, फिर इसको जल्दी जल्दी सोल्डरिंग कर लेंगे। जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हीट की वजह से कॉपर पाइप के ऊपर जो डस्ट बनता है वो बाहर तरफ जैसे बनता है वो अंदर तरफ भी बनता है। तो आप जल्दी जितना जल्दी कर लेंगे सबसे अच्छा होगा, मतलब वो डस्ट अंदर कम जमेगा, उसके वजह से क्या कूलिंग में दिक्कत आ सकता है। तो सबसे पहले इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। सोल्डरिंग करना आसान है क्योंकि ये जो चेंबर है ये एल्यूमिनियम का है, लेकिन सोल्डरिंग करने के लिए 2 इंच जैसा उसका कॉपर पाइप उसके साथ लगा हुआ रहता है। इसको जल्दी करने से जो पेस्टिंग करा हुआ है कॉपर पाइप और एल्यूमिनियम पाइप उस पर भी लीकेज होने का चांस नहीं रहेगा। आप उस पर भीगा कपड़ा भी लगा सकते हैं, आप नए हो तो उसको भीगा कपड़ा लगा के ये काम कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइम लग जाएगा तो उस पर लीकेज होने का संभावना होगा। तो हम लोग का सोल्डरिंग हो गया है, अभी इसको फिटिंग करने का काम है। ये पाइप जो है थोड़ा बड़ा है तो इसके लिए दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा राउंड करके हम लोग इसको सेटिंग करके लगा देंगे। इसको जैसे हम लोगों को कॉयल का जो है मतलब चेंबर जो है वो सेटिंग हो गया है, अभी उसका सामने का जो ग्रिल है मतलब डोर का जो पैनल है उसको भी लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। इसका कंप्लीट करने के लिए चैनल बना हुआ है मतलब डोर के साथ, चैनल के अंदर पुश करके ऊपर 2 स्क्रू है और राइट साइड दीवाल पे और लेफ्ट साइड दीवाल पे 2 स्क्रू है, तो उसको लगा के ये कंप्लीट करेंगे। और उसको थर्मिस्टर का जो सिस्टम है पहले देख पाया आपने कि उस पर सॉकेट सिस्टम है, तो सॉकेट भी लगा दिया हूँ इस पर। जैसे सिस्टम पूरा लग गया है, स्क्रू भी इसको लग गया है, ये चारों स्क्रू लगा के फिर हम लोगों का काम है पीछे साइड क्या काम है। सिस्टम तो इधर कंप्लीट हो गया है, अब पीछे जो बोल रहा था पहले सक्शन लाइन क्यों खोलना पड़ेगा मतलब क्यों खोला हूँ सक्शन लाइन, उसका काम है अभी। तो जैसे अभी सोल्डरिंग करने के बाद सक्शन लाइन खोलने से आप नहीं खोलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कैपिलरी चोक्ड हुआ कि नहीं हुआ या पाइप के अंदर कचरा है कि नहीं, वो भी पता नहीं चलेगा। तो सक्शन लाइन खोलने से क्या होगा, अभी सिस्टम को आपको एक बार ऑन करना पड़ेगा। सिस्टम को जब ऑन करेंगे, ऑन करने के वजह से सक्शन लाइन मतलब जो NRV वाल्व लगा हुआ है उसमें से भी हवा अंदर खींचेगा, और जो चार्जिंग मतलब सक्शन लाइन खोला हूँ कंप्रेसर साइड उससे भी हवा अंदर खींचेगा, और डिस्चार्ज लाइन उस पर लगा हुआ है उसको नहीं खोला हूँ उसमें से कंप्रेसर प्रेस करे, कंप्रेसर हवा जो उसका जो प्रेशर है वो पम्प करने के वजह से उधर से कंडेंसर होके कूलिंग कॉइल होके कैपिलरी भाया होके फिर सक्शन लाइन जो पाइप ओपन किया हूँ वैसे प्रेशर निकलेगा। जैसे आप देख पा रहे हो ये ओपन वाला जो पाइप है इस पर उंगली रख के इसको दबा के रखा हूँ, तो अंदर जो प्रेशर बनता है वो निकल रहा है मतलब सही तरह से निकल रहा है, मतलब
हम लोगों का जो जॉइंट है कोई भी जगह उस पर जैम नहीं है, मतलब चोक नहीं हुआ है, मतलब सही तरह से ये काम हुआ है। लेकिन ये फ्लैशिंग वाला जो सिस्टम है इस पर आप ज़्यादा देर तक फ्लैश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 134 गैस है, इसको पॉलिएस्टर ऑयल रहता है इस पर, तो एयर मिक्स होने का संभावना होता है। इस पर दो एक बारी फ्लैश कर सकते हैं आप। तो हम लोगों का फ्लैशिंग का काम हो गया है, अभी सक्शन लाइन ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि इनर वी वॉल्व ज्वाइन कर दिया हूँ। तो सक्शन लाइन ज्वाइन हो जाने के बाद हम लोग इसको वैक्यूम पे बिठाएंगे। वैक्यूम किस तरह करते हैं वो भी देखेंगे। जैसे सक्शन लाइन ज्वाइन हो गया है और इनर वी वॉल्व का जो पिन है उसको भी लगा देते हैं अभी, क्योंकि सक्शन लाइन ज्वाइन हो गया है, डिस्चार्ज लाइन नहीं खुला हूँ, और चेंबर का जो दो पाइप है वो भी ज्वाइन हो गया है। अभी वैक्यूम करने का जो सिस्टम है, ये चार्जिंग लाइन मशीन के साथ जो लगा हुआ है वो डायरेक्ट गेज का नीचे का पॉइंट पे लगेगा, और गेज का जो लेफ्ट साइड है वो आपका वैक्यूम पंप पे लगेगा। ये वाला गेज पे चार गैस का काम कर सकते हैं आप, 134 आर 22 आर 32 और 410। नीचे वाला जो ब्लू कलर की हो वो नीचे तरफ है, प्रेशर है PSI है, और अंदर तरफ जो है वो बार का सिस्टम है, और ग्रीन वाला जो है वो 134 और आर 22 का टेम्परेचर है, और रेड वाला जो है वो R32 और 410 का उसका टेम्परेचर है। और टेम्परेचर किस तरह काम करते हैं वो भी देखेंगे। जैसे हम लोगों का वैक्यूम का सिस्टम कंप्लीट हो गया है, तो वैक्यूम वाल्व बंद करके फिर वो चार्जिंग लाइन, जो चार्जिंग लाइन आपका पंप पे लगा था वैक्यूम पंप पे, वही चार्जिंग लाइन आपको गैस का टैंकी के साथ लगाना पड़ेगा। थोड़ा गैस, उसको गैस पार्च करने के बाद थोड़ा देर गैस देने के बाद आप लीक चेक कर सकते हैं, जो ज्वाइन आपने किया है। गैस चेक करने के लिए 134 का आपका नॉर्मली आइडियल प्रेशर, मतलब उसका अंदर 50 प्रेशर आप दे देंगे, फिर मशीन को चालू कर देंगे, तो आपका जो प्रेशर है वो कंप्लीट आ जाएगा। 134 का जो बैक प्रेशर होता है वो 5 से 10 का अंदर होता है, लेकिन मशीन का हिसाब से होता है, मतलब कौन सा मशीन काम कर रहा है, नॉर्मल फ्रिज है या डीप फ्रिज है, वो अलग अलग के हिसाब से होता है। लेकिन ये वाला जो फ्रिज है हम लोग 5 के अंदर ही रखेंगे। जैसे गेज पे जो बात आ रहा था कि टेम्परेचर किस तरह आता है, मशीन पे आप कितना टेम्परेचर चाहते हो, जैसे गेज पे जो ग्रीन कलर की जो लाइन है उस पर आप बैक प्रेशर PSI 5 PSI रखेंगे 134 पे, तो -10 टेम्परेचर आ जाएगा गेज के हिसाब से। तो उसी हिसाब से हम लोग इस पर -5 पे इस पर बैक प्रेशर रख के इसको चालू रखेंगे थोड़ी देर। जैसे हम लोगों का जो गैस है वो थोड़ा दिया हूँ, अभी इसको चलने देते हैं, फिर देखते हैं इसका कूलिंग कैसा है, फिर बाद में गैस का ज़रूरत होगा तो बाद में इस पर गैस दे सकते हैं। लेकिन देख के नहीं लगता है इस पर गैस लगेगा, 5 के अंदर ही है, 5 नहीं 7 के आसपास है। तो पाइप का जो गैस है उसको भी इसके अंदर दे देते हैं, तो वाल्व को ओपन करते हैं, तो खींच लेते हैं। जैसे देखो कांटा ऊपर जाता है, मतलब गेज का जो सुई है, फिर 7 पे आके रुक जाता है। तो ऐसे ही चलने देते हैं इसको, तब तक इसका जो अंदर का सिस्टम है गैस सर्कुलेशन का अंदर चेक करने के लिए मीटर आप जेल से देख पा रहे हो 0.71 ले रहा है, मतलब सही तरह से ये एम्पियर ले रहा है। और गैस का जो सर्कुलेशन है वो अंदर आवाज आएगा, गैस का सर्कुलेशन वो भी आना चाहिए, जैसे अभी देख पा रही हो ये 0 से थोड़ा, ऐसे ही कैमरा पे ये मालूम नहीं पड़ेगा। इसको पाइप का जो गैस है इसको भी खींचा देते हैं, जैसे अभी 5 के आसपास है इसका बैक प्रेशर है। इसको ऐसे ही रख छोड़ेंगे, जैसे सुई जहाँ पे है इसका प्रेशर PSI 5 पे है, और ग्रीन लाइन जो है जैसे अभी यहाँ पे देखिए ये -10 है, ग्रीन लाइन का जो ऊपर की तरफ है 134 है, मतलब ये 5 पे ऐसे बैक प्रेशर रहेगा तो ये आपका अंदर -10 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा, और 0 पे होगा तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। 0 पे मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी गैस नहीं देंगे, 0 पे है तो वो 30 पे आ जाएगा। गैस देने के बाद बैक प्रेशर और भी डाउन होता है, तो उस हिसाब से इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कूलिंग आना शुरू हो गया, आप एक पानी का बोतल इसके अंदर रख देते हैं और थोड़ी देर चालू करके इसको छोड़ देते हैं, फिर बाद में चेक करेंगे इस पर कूलिंग कैसे है। कूलिंग चेक करने के लिए आप मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर मीटर, और ऐसे नॉर्मली भी इसको देखेंगे
तो सूखा आइस आना चाहिए उस पर, मतलब आप वो आइस के ऊपर हाथ फिराएंगे तो आपका हाथ जो है वो भीगेगा नहीं, सूखा रहेगा। जैसे थोड़ा देर चलने के बाद एम्पेयर भी सही है, एम्पेयर में भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कम ज़्यादा नहीं है, सही जिस तरह पहले चल रहा था उसी तरह है। जैसे अभी देखो मशीन ऑटो कट हो गया, क्योंकि थर्मोस्टेट को हम लोग नॉर्मल पे सेट किया था, एकदम जीरो के बाद ही सेट किया था, तो उसी हिसाब से ये ऑटो कट हुआ है। अभी अभी अंदर खोल के देखते हैं ये टेम्परेचर कितना आता है, आया है, मतलब जैसे अभी ये चेम्बर पे देख पा रहे हो, सूखा जैसे बोल रहा था पहले, सूखा आइस जैसे आएगा, जैसे व्हाइट जैसे देख रहे हो अभी, सूखा आइस है, मतलब एकदम ये परफेक्ट कूलिंग है। मतलब इस तरह आप एक एक करके पार्ट पार्ट करके काम करेंगे तो आपका इस तरह गैस चार्ज करने के में, मतलब खाली सैमसंग इस पे डिफ्रिज या नॉर्मल फ्रिज, कोई भी फ्रिज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी मशीन पे इस तरह काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा।